10 साल से बेटी से अलग थी रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली महिला, मशहूर हुई तो दौड़ी चली आई। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की आवाज से तुलना होने वाली रानू मंडल अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 2 मिनट के वीडियो ने इस महिला का रातों रात स्टार बना दिया। यहां तक कि इस महिला को बड़े बड़े ऑफर्स भी मिलने लगे हैं। इस बीच रानू मंडल से जुड़ी बड़ी खबर आई है। रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली इस महिला का वीडियो वायरल होने के बाद अब इसे अपनों का साथ मिल गया। दरअसल रानू और उनकी बेटी बीते 10 साल से संपर्क में नहीं थे। ऐसे में माँ बेटी को मिलवाने में रानू के गाना वाला वीडियो मददगार साबित हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद रानू की बेटी ने उनसे घर आकर मुलाकात की। बेटी के आने से रानू अब खुशी से फूले नहीं समा रही। रानू ने कहा, यह मेरी दूसरी जिंदगी है और अब मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। वीडियो वायरल होने के बाद रानू को कई बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं। रानू के मुंबई, केरल और बांग्लादेश से भी ऑफर मिला है। रानू के रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाले वीडियो ने उन्हें स्टार बना दिया। रानू के वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और कई लोगों ने शेयर किया है। रानू मंडल पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर की रहने वाली है। रानू का लालन पालन उनकी आंटी ने किया है। रानू ने कम उम्र में ही माँ को खो दिया था। रानू अपना गुजारा रेलवे स्टेशन पर और लोकल ट्रेन में गाना गाकर करती हैं। इसी दौरान रानू का गाना गाते हुए वीडियो किसी ने पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था।